जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो तत्वों का वैलेंसी संयोजकता ये है तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई आपका केमिकल कंपाउंड ये है तो उसमें जो तत्व मौजूद हैं उसका वैलेंसी क्या होगा। आप सभी कन्फ्यूज़ होना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप सबों को आज के बाद से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारी चीज़ें आप आसानी से सीख जाएंगे। और ध्यान में रखिएगा कि आज जो हम लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग तीन आसान से रूल को फॉलो करेंगे और बाकी के जितने भी बाइनरी कंपाउंड होंगे उन सभी का आप रासायनिक सूत्र आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको वैलेंसी मालूम होना चाहिए। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। रासायनिक सूत्र कैसे लिखें, इस चीज को समझने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि रासायनिक सूत्र होता क्या है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रासायनिक सूत्र को हम लोग इंग्लिश में केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल फार्मूला भी कहते हैं। और बड़ा ही इसका सरल सा परिभाषा है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में, किसी भी रासायनिक यौगिक में जो तत्व मौजूद होते हैं उन्हीं सारे तत्वों को सिंबल के सहारे लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र कहलाता है, यानी कि केमिकल फार्मूला कहलाता है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, किसकी बात करते हैं? सोडियम क्लोराइड की। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरु जी ये सोडियम क्लोराइड का नाम है, अगर हम इसका रासायनिक सूत्र लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे? NaCl लिखेंगे। क्या लिखेंगे? NaCl लिखेंगे। साथ ही जैसे आप बात करते हैं वाटर की, किसकी बात करते हैं? वाटर की। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी वाटर जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। ठीक उसी तरह जब आप बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, किसकी बात करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम लोग कहते हैं तो ये कंपाउंड को बताता है, लेकिन जब इसके हम लोग केमिकल फार्मूला की बात करते हैं इसका केमिकल फार्मूला हो जाता है HCl। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, वाटर या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन सभी में जो तत्व मौजूद हैं उन्हीं तत्व को आप क्या कर रहे हैं? उसके सिंबल के सहारे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड के लिए NaCl, वाटर के लिए H2O और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए HCl। ये क्या हो जाता है? तो रासायनिक सूत्र हो जाता है, यानी कि केमिकल फार्मूला हो जाता है। तो आप चाहें तो बड़े ही आसान शब्दों में इसको डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को जब सिंबल के सहारे लिखा जाता है तो वो आपका सिंबल के सहारे लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र कहलाता है। या आप और सरल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक यौगिक को संक्षिप्त नाम के सहारे रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक सूत्र कहलाता है, केमिकल फार्मूला कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग रासायनिक सूत्र बनाएंगे संयोजकता के सहारे वो आपका कौन सा रासायनिक यौगिक होगा, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वो हमारा बाइनरी कंपाउंड होगा। वो क्या होगा? हमारा बाइनरी कंपाउंड होगा। अब आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये बाइनरी कंपाउंड क्या होता है, तो ध्यान में रखिएगा इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में द्वि आधारी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वि आधारी यौगिक कहते हैं। ध्यान में रखेंगे इसके नाम से ही स्पष्ट है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? द्वि आधारी लिखा हुआ है। मतलब क्या? ये द्वि से आप क्या समझेंगे? दो। और ध्यान में रखिएगा कि वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट से मिलके बना हो, वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट से मिलके बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, यानी कि द्वि आधारी यौगिक कहते हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि सोडियम क्लोराइड आपका दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, Na और Cl, यानी कि सोडियम और क्लोरीन। फिर उसी तरह वाटर आपका दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलके बना हुआ है। यानी कि वैसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट से मिलके बना हो, दो तत्व से मिलके बना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, द्वि आधारी यौगिक कहते हैं। और जितने भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं उन सभी को आप संयोजकता के सहारे क्या कर सकते हैं? उसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। जितने भी बाइनरी कंपाउंड होते हैं उसके तत्व का अगर संयोजकता आपको मालूम है उसके सहारे आप उस बाइनरी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई कंपाउंड दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है तब आप उसके लिए संयोजकता के सहारे रासायनिक सूत्र नहीं लिख सकते हैं। जब भी रासायनिक सूत्र संयोजकता के सहारे लिखी जाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ किस कंपाउंड के लिए होगा? तो गुरु जी बाइनरी कंपाउंड के लिए होगा। अब सवाल ये है कि
हम लोग लिखेंगे कैसे। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी भी बाइनरी कंपाउंड के रासायनिक सूत्र को जो हम लोग संयोजकता के सहारे लिखने का प्रयास करते हैं, वो प्रयास हमारा कौन सा मेथड के थ्रू होता है? तो गुरुजी वो प्रयास हमारा क्राइस क्रॉसिंग मेथड के थ्रू होता है। और ध्यान में रखिएगा, ये आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी द्विआधारी यौगिक को जब संयोजकता के सहारे उसके रासायनिक सूत्र में रिप्रेजेंट किया जाता है, तब उस विधि को क्या कहा जाता है? आप क्या कहेंगे? क्राइस क्रॉसिंग मेथड कहा जाता है, यानी कि क्राइस क्रॉसिंग विधि कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इस विधि में होता क्या है? तो सर बड़ा ही सिंपल है। जिस किसी भी बाइनरी कंपाउंड का हम लोग को संयोजकता के सहारे रासायनिक सूत्र लिखना होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस कंपाउंड में जो तत्व मौजूद होते हैं उस दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की, तो आप देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन दोनों हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सोडियम और क्लोरीन को हम लोग अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये हमने सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग करके लिख लिया। अब क्या करेंगे, तो अब जो सोडियम का वैलेंसी होगा उसके नीचे लिखेंगे और जो फिर क्लोरीन का वैलेंसी होगा उसको उसके नीचे लिखेंगे। जैसे कि आप सबों को मालूम है कि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है और क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। अब हमने क्या करा कि दोनों तत्वों के सिंबल को पहले लिख दिया और उस सिंबल के नीचे उसके वैलेंसी को लिख दिया। क्या करना है, क्राइस क्रॉस करना है। मतलब क्या कि हम लोग सीधे क्या करेंगे कि गुरुजी इसका वैलेंसी इसके साथ आ जाएगा और इसका वैलेंसी इसके साथ आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये जो हमारा सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो क्राइस क्रॉसिंग मेथड के थ्रू जो हम लोग किसी भी बाइनरी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र लिखते हैं उसका लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है। यानी कि पहले उस रासायनिक यौगिक में जो दो तत्व मौजूद हैं उसको हम लोग अलग अलग करके लिखते हैं, फिर उसके वैलेंसी को उसके नीचे लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, हम लोग कोना कोनी गुना कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो सिर्फ एक एग्जांपल दिया और आपने रूल की भी बात करा था, तो रूल क्या है, आइए सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने पहले रूल की। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका रूल फर्स्ट है और इसमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब दोनों तत्वों की संयोजकता अलग अलग हो। जी हाँ, आपको कुछ ऐसे भी बाइनरी कंपाउंड मिलेंगे जिसमें जो तत्व उपस्थित होंगे उस दोनों ही तत्व का जो वैलेंसी होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। और ध्यान में रखिएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा एग्जांपल लिया है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और अगर आपसे ये बोला जाए कि जरा सा एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होगा और फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आप सभी क्या करेंगे, आप सभी कहेंगे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कौन कौन से तत्व होंगे, तो गुरु जी एल्युमिनियम होगा और क्या होगा, तो ऑक्सीजन होगा। ध्यान में रखिएगा कि अब क्या करना है, तो अब हमको एल्युमिनियम का जो वैलेंसी होगा उसको यहाँ पे लिखना है और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी होगा उसको हमको यहाँ पे लिखना है। ध्यान में रखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे तो उसके लिए आपको जो खास चीज़ जरूरी पड़ेगा वो क्या है, तो सर वो वैलेंसी है। यानी कि वैलेंसी आपको याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्द वैलेंसी कैसे निकाला जाता है और आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं इस पर भी वीडियो लेक्चर आ जाएगा। अभी के लिए आप ध्यान में रखेंगे कि एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 3 होता है, और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, आप कहेंगे कितना बार रटे हैं, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, आप कहेंगे कि गुरुजी अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कोना कोनी गुना कर देंगे। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा Al2O3। क्या हो जाएगा, Al2O3। और ध्यान में रखिएगा कि आपका जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो Al2O3 हो जाता है। और मेरे मित्र ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया था कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होगी। अब आप सभी को कन्फ्यूज नहीं होना है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब भी बाइनरी कंपाउंड हमको दे दिया रहेगा और हमसे उसकी संयोजकता की बात की जाएगी तो हम लोग सीधे क्या कहेंगे कि जो बाइनरी कंपाउंड में संयोजकता होता है वो क्या हो जाता है, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। यानी कि एक का संयोजकता दूसरे पे चला जाता है और दूसरे का पहले पे आ जाता है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे बात करी जाए कि ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे कि जब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे तो सीधे क्या कहेंगे कि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। हमको अगर
मालूम ना रहे कि किसका वैलेंस शीट क्या है तो हम लोग सीधे कहेंगे कि जो बाइनरी कंपाउंड होगा उसमें जो पहला एलिमेंट होगा उसका वैलेंस शीट किसके साथ जुड़ा होगा, दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका वैलेंस शीट किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, पहले एलिमेंट के साथ जुड़ा होगा। यानी कि आप सीधे कह सकते हैं कि गुरु जी यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ दो लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो दो है और एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है वो क्या है, तीन है, और जब दोनों कंबाइन होगा तो जो हमारा रासायनिक सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। और इसी तरह से आप कोई भी बाइनरी कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो आप उसका संयोजकता आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद रखना है कि किसी भी बाइनरी कंपाउंड में द्विधारी यौगिक में क्या होता है कि संयोजकता जो है वो उलट फेर हो जाता है, पहले का दूसरे पे चला जाता है और दूसरे का पहले पे आ जाता है। आप कहेंगे कि चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ कि यहाँ पे जो आपने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लिखा है तो इसका हम लोग रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे, आसानी से बना सकते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे फास्फोरस है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक हमारा एलिमेंट फास्फोरस होगा और फिर क्या लिखा हुआ है, ट्राइक्लोराइड लिखा हुआ है, क्लोराइड लिखा हुआ है तो क्लोरीन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि फास्फोरस को यहाँ पे लिख देते हैं और क्लोरीन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है, आप कहेंगे तीन होता है, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, गुरुजी वन होता है। हमको क्या करना है तो हमको यहाँ पे कोना कोनी गुना कर देना है। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि एक संयोजकता जो यहाँ पे आपको दिख रहा है तो रासायनिक सूत्र बनाने के क्रम में संयोजकता एक को नहीं लिखा जाता है, यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक नहीं लिखेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि गुरु जी ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा PCl3, क्या हो जाएगा, PCl3, और ये आपका किस कंपाउंड के लिए हो जाता है, तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के लिए हो जाता है। तो जब भी आपको दो तत्वों का अलग अलग वैलेंसी दिया हुआ हो तो उसका आप रासायनिक सूत्र कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही तत्व का जो वैलेंसी है वो केवल एक ही हो तब उसका रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सारे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रूल टू की, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है कि जब दोनों तत्वों की संयोजकता एक हो या फिर एक से ज़्यादा हो लेकिन बराबर हो तब उसके रासायनिक सूत्र को हम लोग कैसे लिखेंगे, बड़ा ही आसानी से लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए दो यौगिक लिया है, एक आपका सोडियम क्लोराइड और दूसरा आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से तत्व हैं, आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे सोडियम है और क्या है, क्लोरीन है। क्या करेंगे तो इसके नीचे हम लोग इसका वैलेंसी लिख देंगे और आप सबों को मालूम है कि सोडियम का वैलेंसी एक होता है और क्लोरीन का वैलेंसी एक होता है। जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा Na1 और Cl1। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे और यही चीज़ हमको समझाना था कि जब भी किसी दो तत्व का वैलेंसी एक हो तो उस वैलेंसी को नहीं लिखा जाता है। यानी कि अगर हम Na1 और Cl1 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब क्या होगा सर इसके लिए फॉर्मूला, तो सर इसके लिए वैलेंसी नहीं लिखा जाता है, कब, जब दोनों ही तत्वों का संयोजकता एक हो तो हम लोग इसका सूत्र क्या लिखेंगे, NaCl लिखेंगे। क्या लिखेंगे, NaCl, ये आपका क्या हो जाएगा, सही फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी दो तत्व का संयोजकता एक होगा तो एक संयोजकता को नहीं लिखा जाता है और उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, तो उस दोनों ही तत्व का सिंबल हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बात करें फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन रहता है, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन का सिंबल लिख दे रहे हैं। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी हम लोग एक लेते हैं, क्लोरीन का वैलेंसी हम लोग एक लेते हैं। जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं कि दोनों ही तत्व का जो संयोजकता है वो क्या है सर, एक एक है। यहाँ पे हमको एक संयोजकता नहीं लिखना है तो हमारा रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी हमारा जो रासायनिक सूत्र होगा वो HCl हो जाएगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको संयोजकता मालूम है तो रासायनिक सूत्र आसानी से बना सकते हैं और अगर आपको रासायनिक सूत्र मालूम है तो आप दोनों ही तत्वों का संयोजकता क्या होगा ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आप सभी देख रहे होंगे यहाँ पे जो हम लोग रासायनिक सूत्र बना रहे हैं उसमें संयोजकता का क्या हो रहा है सर, उलट फेर हो रहा है। यानी कि पहले तत्व का जो संयोजकता है वो दूसरे पे चला जा रहा है और दूसरे तत्व का जो संयोजकता है वो पहले पे आ जा रहा है। आप कहेंगे चलो सर इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये बताओ ये आपने क्या लिखा कि या एक से ज्यादा हो लेकिन बराबर हो तब उसका हम लोग रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक से ज्यादा या बराबर हम लोग संयोजकता की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में क्या लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है। नो डाउट आप सभी कहेंगे कि गुरुजी कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन होंगे, कौन होगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन होगा।
और आप सबों को ये मालूम है कि कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है। तो गुरुजी कैल्शियम का वैलेंसी दो होता है, ऑक्सीजन का भी वैलेंसी कितना होता है, दो होता है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आपका वैलेंसी है वो एक से ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही तत्वों में क्या है सर, बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे फिर से कोना कोनी गुना करेंगे, यानी कि क्राइस क्रॉसिंग मेथड को लगाएंगे, और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा जो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Ca2O2। मेरे मित्र ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब दो तत्व का संयोजकता एक से ज़्यादा हो लेकिन क्या हो, बराबर हो, दोनों की संयोजकता कितनी है, दो, यानी कि संयोजकता बराबर है, तब भी हम लोग क्या करते हैं उसके संयोजकता को नहीं लिखते हैं। यानी कि इस फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो गुरुजी इस फॉर्मूला को हम लोग सिर्फ और सिर्फ CaO लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र हो जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब दो तत्वों की संयोजकता एक से ज़्यादा हो लेकिन बराबर हो तो वहाँ भी संयोजकता मेंशन नहीं किया जाता है, सीधे क्या लिख दिया जाता है, तो उस तत्व के सिंबल को लिख दिया जाता है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में देख पा रहे होंगे। इसी तरह अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें मैग्नीशियम होगा और सल्फेट होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो सल्फेट है ये मूलक का काम करता है, रेडिकल्स का काम करता है, जिसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। आप कहेंगे कि गुरुजी जब यहाँ पे मैग्नीशियम है तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, और जो हमारा सल्फेट है आप सबों ने कई बार याद करा होगा कि उसका सिंबल क्या होता है, SO4 होता है। और आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी जो सल्फेट होता है ना वो SO4 2- होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है, दो होती है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिखा और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं गुरुजी, यहाँ पे हम लोग सल्फेट को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। क्या करना है, इसके वैलेंसी को हमको इसके नीचे लिखना है। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, दो होता है। सल्फेट का वैलेंसी कितना है, आप कहेंगे दो होता है। और यहाँ भी जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इस दोनों ही तत्व की संयोजकता एक से तो ज़्यादा है लेकिन बराबर है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके वैलेंसी को नहीं लिखेंगे, और फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4। क्या हो जाएगा, MgSO4, और इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग तीसरे रूल की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने तीसरे रूल को। ध्यान दीजिएगा कि तीसरे रूल में क्या कहा जा रहा है कि जब कोई बहुपारमाणविक आयन का सूत्र बनाना हो, किसका बनाना हो सर, बहुपारमाणविक आयन का। ध्यान में रखेंगे बहुपारमाणविक आयन को हम लोग पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। मतलब क्या कि वैसा यौगिक जिसमें एक से ज़्यादा आयन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपारमाणविक आयन वाला यौगिक कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर इसके यौगिक का सूत्र बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, जो तरीका हम लोग अपना रहे थे उसी तरीका को अपनाएंगे, बस यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत ये करना है कि जितने भी आपका बहुपारमाणविक आयन है उसका वैलेंसी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आपका सल्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इन सब का वैलेंसी क्या होता है ये आपको याद रहना चाहिए। तो आपको यहाँ भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन वाला टॉपिक है उन सभी पे आपको अब लगातार वीडियोस मिलती रहेगी, ताकि आपका जितना भी कठिनाई है वो आसानी से दूर हो पाए। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में जो आपका कंपाउंड लिया है वो क्या है, अमोनियम सल्फेट है। क्या है सर, अमोनियम सल्फेट है, और इसका हमको क्या करना है सर, रासायनिक सूत्र बनाना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने कई दफा याद करा है कि NH4+ को क्या बोला जाता है, NH4+ को क्या बोला जाता है, अमोनियम बोला जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका NH4+ है ना, यही क्या है आपका बहुपारमाणविक आयन है, यानी कि पॉली एटॉमिक आयन है। ध्यान देंगे फिर से, यहाँ पे सल्फेट लिखा हुआ है तो सल्फेट के लिए आप क्या कहते हैं, SO4 2- कहते हैं। मेरे मित्र जब आप रेडिकल्स मूलक को याद करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी किसी भी रेडिकल्स पे जितना प्लस या माइनस चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमारा अमोनियम है इस पे एक प्लस लिखा हुआ है, तो अमोनियम की संयोजकता कितनी होगी, एक होगी। तो लीजिए अमोनियम का जो संयोजकता है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपका SO4 2- लिखा हुआ है, और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, दो होती है। लीजिए हम यहाँ पे दो लिख दे रहे हैं। अब क्या करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि कोना कोनी गुना करना है। अब आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा हमारा NH4 2, और क्या हो जाएगा, तो SO4 हो जाएगा।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। ये चीज़ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी बहुपरमाण्विक आयन का हमको सूत्र बनाना होगा और हमको इस टाइप का कोई लोचा वाला फॉर्मूला मिल जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो NH4 है उसके साथ ये सल्फेट का पूरा वैलेंसी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के साथ होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे NH4 का होल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH4 का होल 2 हो जाएगा। तो हम लोग भूल से भी इस तरीका से इसका सूत्र नहीं लिखेंगे। इसका सूत्र कैसे लिखेंगे? तो गुरु जी इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा NH4 होल 2 और क्या हो जाएगा तो SO4। ये क्या हो गया आपका? अमोनियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया? अमोनियम सल्फेट हो गया। और मुझे यही चीज समझाना था कि जब भी आपको पॉली एटॉमिक आयन का कंपाउंड बनाने के लिए बोला जाए और आप वहां पे वैलेंसी के सहारे उसका कंपाउंड लिख रहे हैं तो ऐसा गलती आप भूल के भी नहीं करेंगे, क्योंकि आयन पॉली एटॉमिक आयन में यानी कि जो बहुपरमाण्विक आयन होते हैं उसमें जितने भी तत्व होंगे उन सभी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा? 2 के साथ होगा नियमानुसार। तो आप क्या कहेंगे कि सर इन सभी का क्या हो जाएगा? होल 2 हो जाएगा। और इसको क्या पढ़ेंगे? NH4 होल 2 SO4 पढ़ेंगे। अब आइए अगले कंपाउंड की बात करते हैं। यहां पे लिखा हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट, बड़ा ही आसान है भाई। यहां पे क्या कर सकते हैं? तो गुरु जी एल्यूमिनियम का जो सिंबल है उसको लिखेंगे और सल्फेट का जो सिंबल है उसको लिखेंगे। नो डाउट आप सभी ने अभी जस्ट देखा है कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, आप कहेंगे 3 होती है। सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? सर 2 होती है। अब हमको लिखना कैसे है? तो बड़ा ही आसानी से लिखना है। क्या कहेंगे कि गुरुजी जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Al2। यहाँ पे चूंकि एल्युमिनियम आपका अकेला है इसलिए आपने क्या लिख दिया? Al2 लिख दिया। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे SO4 है और उसके साथ आपका कौन सा वैलेंसी अटैच हो रहा है? 3। तो आप सभी क्या लिखेंगे? इसको SO4 का होल 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? SO4 होल 3। क्या लिखेंगे? Al2 SO4 होल 3। और ये आपका क्या हो जाएगा? तो एल्युमिनियम सल्फेट के लिए रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बड़ा ही सरल सा है, ये भी ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम होगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग किसको कहते हैं? OH को कहते हैं। तो लीजिए मैग्नीशियम हमने यहाँ पे लिखा और हम यहाँ पे OH लिख दे रहे हैं। ध्यान देंगे कि मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? आप कहते हैं गुरुजी मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, और जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसका वैलेंसी कितना होता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का वैलेंसी होता है 1। तो लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 1 लिख दे रहे हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि गुरुजी इस तरह से हम लोग कोना कोनी गुना कर देंगे, और जब आप गुना करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर जी मैग्नीशियम की संयोजकता 1 के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 को तो हम लोग लिखते नहीं हैं, तो हम लोग सीधे Mg लिख देंगे। क्या लिख देंगे? Mg लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर हम यहाँ पे OH2 लिख देते हैं इसका मतलब हो जाएगा कि ऑक्सीजन 1 है और हाइड्रोजन 2 है, फिर हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? सर हम लोग OH का होल 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? OH का होल 2। और बताइए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए आप यही रासायनिक सूत्र याद करते हैं ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल यही सूत्र याद करते हैं। तो तरीका जो होता है लिखने का वो कुछ इस तरह से होता है। आपका जो अगला कंपाउंड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी आप बड़ा सरल तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कैल्शियम और कार्बोनेट होंगे। तो लीजिए कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों का हमने यहाँ पे सिंबल लिख दिया। ध्यान में रखिएगा कि कार्बोनेट का जो सिंबल होता है वो होता है CO3 2-, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। तो कार्बोनेट के नीचे हम लोग उसका वैलेंसी लिख दे रहे हैं और कैल्शियम के नीचे इसका वैलेंसी लिख दे रहे हैं। कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है? तो सर 2 होता है। ध्यान देंगे कि जब आप यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि गुरु जी दोनों का वैलेंसी 1 से ज़्यादा है परंतु दोनों का वैलेंसी क्या है? बराबर है। तो दोनों का वैलेंसी नहीं लिखा जाएगा, यानी कि ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3 हो जाएगा। और यही क्या होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के जगह कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे दिया जाता तब आप क्या करते? ध्यान दीजिएगा, अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरु जी कैल्शियम तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा? तो बाइकार्बोनेट रहेगा, और बाइकार्बोनेट के लिए सिंबल क्या होता है? HCO3- होता है। बाइकार्बोनेट का वैलेंसी 1- है तो 1 हो जाएगा, और कैल्शियम का वैलेंसी कितना होगा? तो 2 हो जाएगा।
आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा, जब इसको क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा Ca और HCO3, यानी कि बाइकार्बोनेट का होल टू हो जाएगा, इसको हम लोग HCO3 होल टू लिखेंगे और यही क्या हो जाएगा हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि अब आप किसी भी तरह के बाइनरी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र संयोजकता के सहारे आसानी से लिख सकते हैं, और साथ ही अगर आपके एग्जाम में किसी भी तरह का बाइनरी कंपाउंड दे दिया जाए और उस बाइनरी कंपाउंड में से किसी एक तत्व का वैलेंसी पूछ लिया जाए आपसे, तो आप उसका भी जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।